पहले तो आप अपनी स्टेटमेंट पर ठहरिए। अभी आपने कहा नागिन, अब आप कह रही हैं इच्छाधारी नागिन। हे हनुमान, ये औरतों को इतना जहरीला क्यों बनाया? देखिए ऑफिसर, मुझे पता है आपको लग रहा है कि ये सब नॉनसेंस है, लेकिन इच्छाधारी नागिन होते हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, और ये सब शायद उसी वजह से हो रहा है, उस रात को हुए हादसे की वजह से। कौन सा हादसा? वही जिसमें वो नाग मरा था और उसके साथ उसकी नागिन भी थी। कमरे में से कुछ ऐसे चीखने की आवाज आ रही थी, कुछ ये वो रेहान बाबू और मैं साथ घूमने गए थे तो उनकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए। आपको इसी वीडियो की आवाज आई होगी बेला जी। वैसे भी आपका बुरा मैं नहीं अनु चाहती थी, मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ सच में। और वैसे भी हम तो हैं एक ही जैसे ना। मेरा मतलब है कि हम दोनों इस जगह पर ऐसे हालात में जो शायद कभी नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर भी हैं। तो आपको नहीं लगता है कि हमें एक दूसरे के लिए रहना चाहिए? मेरा मतलब है एक दोस्त की तरह एक दोस्त का साथ देना चाहिए, आपको नहीं लगता है? नहीं, हमें तो सब बेसर पैर का लग रहा है। आप कह रही हैं कि आपने और आपके दोस्तों ने नाग नागिन को नाचते हुए देखा? नाग नागिन नहीं ऑफिसर, वो इच्छाधारी थे, आधे नाग आधे इंसान। मैंने खुद देखा है उस इंसान को नाग में बदलते हुए। मैंने क्या, हम सब थे वहां पर। और फिर ओ गॉड, ये क्या है कि ये इंसान सांप बन गया कैसे? उसके बाद वो नाग नागिन खाई में गिर गए। एनीवे वहां पे मैं, बुल्टू, प्रथम, रेहान, यूवी सब लोग थे और प्रथम भी था वहां पे, मगर वो पीछे था, नाग को बचाने के लिए चिल्ला रहा था वो सब पे। ऑनेस्टली ऑफिसर, हम में से कोई भी उस रात को याद करना नहीं चाहता, लेकिन जब से बेला हमारी जिंदगी में वापस आई है ना कुछ गड़बड़ हो रही है, सब कुछ अजीब सा हो रहा है। और ये सब शुरू हुआ था उसकी एंगेजमेंट की रात पे, जब वो करण उस होटल रूम से गिर के उस पूल में डूब गया। तो आप कह रही हैं कि उस रात को वहां करण भी था? हाँ ऑफिसर, नशे की हालत में जंगल में। उसके बाद आदि, आदि नेक्स्ट टारगेट था, क्योंकि आदि भी तो था हम सबके साथ। अजीब सी सिचुएशन में वो जेल गया और फिर यूवी गायब हो गया, और अब रेहान मैया का भी कोई पता नहीं है। और आपको लग रहा है कि यूवी और रेहान दोनों गायब हो चुके हैं? नहीं ऑफिसर, मुझे लगता है उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इतना बुरा कि शायद वो दोनों हमें कभी नहीं मिलेंगे। और ये सब उस बेला की वजह से हुआ है, वही कर रही है ये सब वो नागिन। मुझे अभी भी कुछ पच नहीं रहा। अगर मैं आपको अपनी बात का सबूत दूं तो? कि बेला नागिन है ऑफिसर, अगर बेला अपने असली रूप में आपके सामने आ जाए तब तो मानेंगे ना आप मेरी बात? देखिए आप, तब तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी ऑफिसर। सुनिए, मेरे पास एक प्लान है। क्या कहती हैं आप, हम अब दोस्त हैं ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू बेला जी, आपने मेरी बात रख ली, यही तो मैं चाहती। मेरा मतलब है कि मैं आपकी दोस्त बनना चाहती थी, और वैसे भी अब इस घर में आप ही तो मेरी अपनी है। मैं चलती हूँ। हाँ, और देर नहीं करनी चाहिए। क्या? मेरा मतलब है कि रात काफी बीत चुकी है और सुबह होने में कुछ घंटे बाकी हैं, तो आपको सो जाना चाहिए ना। आप सो जाइए। हाँ सो जाओ मेरी प्यारी दोस्त, आराम से सो जाओ। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो मुझे यहां से। मुझे क्यों कैद करके रखा है? प्लीज छोड़ दो, कोई है बचाओ, मुझे बाहर निकालो यहां से। बचाओ? कौन बचाएगा तुझे? तुझे छुड़ैल ने पकड़ा है, और मेरी पकड़ से तो सिर्फ तेरे प्राण छूट सकते हैं। सुना नहीं तूने? मेरी दोस्ती अब नागिन से हो चुकी, इच्छाधारी नागिन से। क्यों करते हो तुम लोग ये सब? क्यों यहाँ पर सबको सबका राज जानना होता है? अगर राज जान भी लिया तो मुंह क्यों खोलते हो? देखा नहीं है मछली कांटे में कब फंसती? जब वो अपना मुंह खोलती है। अब तूने अपना मुंह खोला और फंस गया ना,
अब मैं तुझे तेरे असली रूप में बिल्कुल नहीं लाऊंगी, कभी नहीं लाऊंगी। वो इसलिए नहीं कि मैं खुद को बचाना चाहती हूँ, वो इसलिए कि मैं बेला को बचाना चाहती हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। भगवान की कसम खाता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। तू तो सचमुच पागल है रे, एक चुड़ैल के सामने भगवान की कसम खा रहा है। अब तो तू और भी खतरनाक हो गया। मेरी दोस्त के लिए जिसे हर कीमत पे मुझे बचाना है, आखिर वो मेरी बलि जो है। हाँ बलि, हमारी दुनिया में जब एक चुड़ैल नाग रानी की बलि देती है तो वो नरक की रानी बन जाती है। मैं नरक की रानी बनना चाहती हूँ। पूरी दुनिया पे मेरा बस होगा और मुझ पे किसी का बस नहीं होगा। फिर मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ अपने साथ ले जाऊंगी, तुझे भी। तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ? मैं गुरुजी से मिलने गई थी, वहां पर अनु को वो तस्वीर मिली है। उसे तस्वीरें मिल भी गई और उसने सबको दिखा भी दी। क्या? हाँ, अनु को शक हो गया मुझ पर। शुक्र है किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, मैं बच गई जामिनी की वजह से। मतलब ये कि अनु मेरे पीछे पड़ गई और सबको कह रही थी कि बेला गलत है, लेकिन जामिनी ने उसका साथ नहीं दिया। जामिनी ने मेरा साथ दिया, उसने अनु को गलत कहा और फिर सबने अनु को जाने के लिए कह दिया। और अगर अनु को तुम्हारी असलियत पता है तो वो चुप नहीं बैठेगी। अपने आप को सही साबित करने के लिए वो दोबारा कोशिश करे। तुम बस एक काम करो, अभी के लिए माहिर को मारने का इरादा टाल दो, वरना सीधा शक तुम पर ही आएगा। हाँ विश, लेकिन ये जामिनी था नहीं क्या है? गलत कर रही है। तुम उसके बारे में बिल्कुल सही थी, कुछ तो गलत करना चाहती है। और मुझे किसी भी तरह पता लगाना होगा कि आखिर वो इस रेहान से मिली कहाँ और वो। I'm sorry. Oh God! मेरा पैर स्लिप हो गया। I'm so sorry. It's okay. Oh. Are you okay, Mila? हाँ, I'm okay. I'm sorry. मैं सो नहीं पा रही थी। बेला तुम ठीक तो हो? पता नहीं, डर लग रहा है। बेला डर क्यों लग रहा है, मतलब क्या हो गया? सपना देखा शायद, पता नहीं। बेला उसको टच मत करो, वो घाव नहीं भरेगा। बेला देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ माहिर जी? माहिर जी आप मैं वहां सोफे पे सो जाता, तुम सोचो। बेला मैं यहीं, फिर से कोई भी बुरा सपना है तो मुझे बताना, डन डन। अनु? The hell is this, अनु? आज तुमने जो भी किया है ना, उसके बाद भाई यू आर कॉलिंग मी। फोन रखो। कुहू प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, मेरा यकीन करो, मैं इनोसेंट हूँ और मैं सबके सामने ये प्रूव करना चाहती हूँ। हाँ फाइन, कल सुबह प्रूव कर देना ना। कल सुबह नहीं, अभी के अभी। वैसे भी सुबह थोड़ी देर में हो ही जाएगी ना, तुम एक काम करो सबको लेके हवेली पहुंचो। व्हाट? क्या हो गया? बेबी आ गया क्या? अनु से बात कर रही हूँ। Ask her to get lost. पहले उसने हमारा दिमाग खराब किया, नींद खराब कर रही है। सो जाओ ना गु प्लीज। ओह प्लीज, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी बात का यकीन करो। आई स्वेयर तुम बस सबको लेके हवेली पहुंचो। अनु सुबह के 5 बज रहे हैं,
मैं कैसे सबको हवेली क्या बोलकर लाऊंगी? अरे यार कुछ भी बोल दो कि मुंह दिखाई की रस्म है। हाँ, इतनी सुबह मुंह दिखाई की रस्म होती है क्या? आई कैन डू दिस। मैं देखो, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया ना तो मैं तुम्हें वो सीक्रेट बता दूंगी जो आरजे तुमसे छुपा रहा है। क्या? जल्दी बताओ, अभी अभी बताओ मुझे। नहीं, पहले जो कहा है वो करो। तुम मेरा काम करोगे उसके बाद ही बताऊंगी। तुम प्लीज सबको लेके आ जाओ और वो बेला को तो 100% लेके। सबको उसकी मुंह दिखाई तो वो तो आएगी ना। आरजे, आरजे, आरजे उठो, हमें हवेली चलना है अभी। यार क्या है, कितना अच्छा सपना देख रहा था। किसका सपना और कौन थी सपने में? चुड़ैल थी। सब छोड़ो तुम, चलो हमें सबसे बात करनी है। ओके ओके, मैं भी वर्कआउट करके आता हूँ, उसके बाद सब लोग उठ जाएंगे, उसके बाद मैं सबसे बात करता हूँ, ठीक है? तुम भी यार। अरे ये किसकी मुंह दिखाई हो रही है, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी चलूंगी। ओह माय गॉड, बोलूंगी। अरे तुम इतनी सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इन कपड़ों में? कम ऑन मॉम, यहाँ किसी और की मुंह दिखाई हो ना हो, इनकी मुंह दिखाई हर रोज होनी है। हाँ, क्योंकि एंडी मेरे। ओके ओके, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज हम सबको रेडी होके हवेली पहुंचना। और हाँ, हम गांव वाले हमारा इंतजार भी कर रहे होंगे, उन्होंने तो ये फंक्शन प्लान किया है। ओ अच्छा कुहु, अब तुम इतना नीचे गिर गई कि गांव वालों के साथ पार्टी करने जाओगी? ओ डोंट वरी, मैं कितना भी नीचे गिर जाऊं पर आपसे मैं हमेशा ऊपर ही रहूंगी। तुम अपना मुंह। ओके ओके, संभाल लेगी पोलो आंटी, मैं समझाता हूँ। को बेबी प्लीज यार, सुबह सुबह सबका मूड ऑफ मत करो ना। अब माहिर भाई, आप प्लीज बेला को बोल दीजिए कि वो रेडी हो जाए। मैं प्रथम सुहानी को बुला लूं। गाइस गाइस रिलैक्स, अब तक मैंने हाँ नहीं कहा। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गांव वाले हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। मॉम, उन्होंने हमसे कहा तो हमने आपसे कह दिया बस। एक्चुअली सुमिया आंटी इज राइट, गांव वाले हमें हेट करते हैं, वो हमारे दुश्मन है यार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बुड्डू। अब सी दैट, 6 महीने पहले हवेली के पास जो उस सब की वजह से गांव वाले हमें हेट करते हैं, लेकिन सब गांव वाले हमारे दुश्मन नहीं, कुछ गांव वाले हमारे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया होगा। और वैसे भी अगर हम उनके बुलाने से वहां जाकर मुंह दिखाई की रस्म करते हैं तो उन छोटे गांव वालों को लगेगा कि इतना बड़ा आदमी एंडी सैगल, इतना बड़ा आदमी उन सबके बीच में है, उन सबके बुलाने पर वहां है। तो सोचो डैड, आप कितने महान। महान कहेंगे मुझे महान कहेंगे, और उसके बाद मेरे सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे। नाइस, गुड जॉब। Mayer, get ready. Until Bela to get ready. आशादी के बाद पहली बार वो कुछ हमारे लिए करने वाली है, so let's go. तुम्हें मैं प्रथम सुहानी को बुला लूं? Yes, बुला लो। ठीक है। Get ready, guys. Come on. मैं आती हूँ। Oh God, पता नहीं अनु ने क्या प्लान बनाया होगा। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा ऊपर। Perfect spot है। Yeah. मैडम इसे कहाँ रख दे? मेरे सर पे रखो। अरे फूल है, सजाने के लिए लाया हो तो जाओ सजाओ ना। पर ऐसा है कि गांव वाले ये मुंह दिखाई की रस्म के बारे में कुछ जानते नहीं है, और यहाँ पर इतने बड़े लोग। एक्सक्यूज मी, आपसे किसी ने पूछा? नहीं ना, जस्ट डू व्हाट आई से। वो पहुँचते होंगे। हम पहुँच गए मिस मित्तल। क्या बात है, पूरा का पूरा जाल बिछा के रखा है आपने, लगता है सर्जिकल स्ट्राइक करके ही मानेंगे। मेरी प्लानिंग फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ हो तो ही बेहतर है, वरना बुलेट प्रूफ पहननी पड़ेगी। ये जो ताम झाम करके आप जिस पे निशाना साध रही हैं, उनके पति देव आपसे भी बड़े निशानची हैं। मानिए माहिर साहब बहुत माहिर हैं। जिस दिन उन्हें पता चल गया कि आप उनकी पत्नी की पतंग काटने की कोशिश कर रही हैं, वो ऐसी कन्नी काटेंगे कि पूछे भी मत कैसी कन्नी काटेंगे। पर हम भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वही तो मैं चाहती हूँ, आप एक काम क्यों नहीं करते, अपना मुंह बंद रखिए और अपनी आंखें खोली रखिए। दैट्स इट। अरे यार थोड़ा लेफ्ट में, मैं आ रही हूँ। लेडीज का मच जस्ट टू मच। सुनो भाई, ये लोग क्या नागिन है? जी सर, गांव वाले तो यही मानते हैं। बढ़िया है बढ़िया है। इसे कहां देखा है? कहीं तो मुलाकात हुई। पर ये तो नाग है। नाग हमारी गिरफ्त में कब आया?
पर इसको ऑफिसर यू नीड टू हाइड नाउ, सारे गांव वाले आ ही रहे और माहिर और सब भी पहुंच रहे होंगे, प्लीज आप अपनी पोजीशन ले लीजिए। हाँ पर इसे कहीं तो देखा है। ये विश का फोन क्यों नहीं लग रहा है? बेला जी आइए ना। जामिनी? बेला जी तुम रो रही हो? रो क्यों रही हो तुम? अब और बर्दाश्त नहीं होता। जो दर्द दिखते नहीं है ना वो दुखते बहुत, और ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो आप मेरे साथ चलेंगी? कहाँ? यही पास में एक भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें जो भी मन्नत मांगते हैं ना सारी पूरी होती है। मेरे हाथ बाबू को अक्सर वहाँ लेके जाती थी, मुझे पूरा भरोसा है हम वहाँ जाएंगे तो हमारी मन्नत जरूर पूरी होगी। आप चलेंगे ना? दे युवा सुनो, माँ ने कहा है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हवेली में गांव वालों ने कुछ रस्म रखी है मुंह दिखाई की, तो उसके लिए चलना है। मुंह दिखाई की रस्म गांव वालों ने रखी? ज्यादा डिटेल्स मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि हमें जल्दी चलना पड़ेगा। ठीक है। अब एक मिनट, आप लोग जरूर जाइएगा, बस एक मिनट। क्या हुआ? मैं आप दोनों को नजर का टीका लगा दूं। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी आधी जिंदगी बिताने के बाद ही वो मिल जाता है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तो आप दोनों बहुत खुशकिस्मत है, कभी अलग मत होइएगा। हम चलें? वो रसम है ना? हाँ, 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 हमें लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। तुम आ जाओ, मैं चलता हूँ। तो आज भी आप बच गए, मेरा मतलब है कि मेरे साथ मंदिर जाने से बच गए। आप अपने काम कर लीजिए, जब आप फ्री होंगे तब आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब तुम देखो बेला, मैं कैसे तुम्हारा पर्दाफाश करती हूँ। बेला, मैंने ये दिया तुम्हारे लिए, और ये भी, चेंज कर लो। बेला, जामिनी बात तो सही कह रही थी। बात का कौन सा पार्ट? सब कुछ ही। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग बेला, मैं तो कभी भी किसी को नहीं ढूंढ रहा था। इनफैक्ट काम में इतना लगा हुआ था कि कभी ये सब ख्याल ही नहीं आया, रिलेशनशिप, शादी, प्यार, और फिर सडनली शादी हो गई। वैसे बेला, प्यार के बारे में तुम क्या, आई मीन तुम्हारी नजर में प्यार क्या है? जिंदगी। 100 साल बाद हम नागिन इंसान बने, आज हमारे मिलन की रात है, और आज इस मंदिर में शिव का आशीर्वाद लेकर हम शादीशुदा हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपनी होने वाली दुल्हन को एक तोहफा देना चाहता हूँ। जिंदगी के ना रहने के बाद भी आपके साथ रहता है। सही कहा, प्यार एक एहसास है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दूर हो या पास, दिल के सारे पजल सॉल्व हो जाते हैं। अगर बस वो मिसिंग पजल मिल जाए तो आपका वो प्यार मिल जाए, उसके बाद आस पास की हर चीज खुशी देती, होठों पे हंसी लाती है, दुख दर्द का कोई नाम नहीं रहता, आंसुओं का कोई काम नहीं रहता। मेरी बात तुम्हें भी गोली मार दे, लेकिन अब तुम्हें जीना होगा रोई, अब तुम्हें जीना होगा। मुझे मुझसे पता करो कि तुम, कि तुम मेरे बिना जियोगी रोई? रोई तुम मेरे बिना जियोगी? भरोसा होता है ना, हमें अपने प्यार पे भरोसा होता है, एक अलग सा यकीन होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो कभी भी हमसे दूर हमें छोड़कर नहीं जाएगा। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त कोई हमसे भी ज्यादा हमारे बारे में सोच रहा होता है।
और फिर ऐसे प्यार की आदत पड़ जाती है। आदत नहीं, बीमारी। बीमारी लग जाती है, वो भी दिल की। ओम शुभाय गौरिये नारायणे नमः। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। बेटा आशीर्वाद लो। सुखी रहो। आ गई मैं। सबसे पहले आई हूँ, रुको। अरे प्रसन्न तू आ गई। चलो हम लोग तो जल्दी पहुँच गए। क्या है ना, पहले आ गए, पहले गद्दी ले लेंगे अच्छी वाली, है कि नहीं? नमस्ते। चलो चलो चलो। बेला बेटा तुम भी माहिर के साथ जाके बैठ जाओ। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। वैसे आज कोई शुभ दिन है क्या? शुभ दिन नहीं तो, और ये मुंह दिखाए की रस्म हमने नहीं रखी थी। हम लोगों को तो कोई खुद आके बोल के गया था कि आज मुंह दिखाए की रस्म है, हवेली पे आ जाना, तो हम लोग आ गए। आइए। Oh God, क्यों बात मानी मैंने अनु की? Look at these guys, these are so tacky. क्या कर रहे हो गुरु? अगर किसी ने सुन लिया ना तो भी समझ नहीं पाएंगे। इंग्लिश में बोला है मैंने। ये क्या कह रही है औरतें? अगर मुंह दिखाई की रस्म गांव वालों ने नहीं रखी तो फिर किसने रखी है? वाह, क्या बात है मिस मित्तल। तो ये है आपका बिग प्लान? Just wait and watch. आज ये बेला नहीं बचे। सारे लोग कहाँ चले गए? हाँ हेलो। अरे नहीं यार, आज कौन सा काम? हवेली में कोई नहीं है, सारे लोग कहीं बाहर गए। वो बोल रहे थे गांव वालों ने मुंह दिखाई का कोई फंक्शन रखा है, तो उसमें ही सब गए हैं। मुंह दिखाई का फंक्शन गांव वालों ने? अरे यार वही तो, मुंबई में कौन ऐसा करता है? हाँ हवेली मुंबई से कुछ किलोमीटर आगे है, लेकिन है तो मुंबई में ना। खैर भाई अपना क्या है, जिसको जो करना करे, अपने तो मजे हैं। चाय पियो, पकौड़े खाओ, टीवी देखो, एंजॉय करो बस। उस हवेली में ऐसे मुंह दिखाई का फंक्शन किसने रखवाया है और क्यों? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। बेला को मेरी जरूरत पड़ सकती है। मुंशी चाचा। जी धीरे बेटा। तो कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। विश ने बताया लोग आपके घर आए थे। सब ठीक है ना पापा? आप ठीक है ना? मेरी छोड़ो, तू ठीक है तो सब कुछ ठीक है। बहू की मुंह दिखाई है, बाप की नहीं। और आप क्यों फिक्र करते हैं? आप बैठिए ना वहाँ पे, खाना आपको टाइम पे ही मिलेगा, ठीक है? बेटा तुम चलो, मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा, है ना? बाप से बात में बात कर लेना, कोई बात नहीं। तुम अपने फूलों वाले टेंट में बैठो। अरे मुख बंद कर दिया तो मुख दिखाई कैसे होगी? अरे चुप कर, इतनी जल्दी हमारी दुल्हन थोड़ी मुख दिखाएगी। इसके लिए तो उसके पति को साबित करना होगा कि वो उनके लायक है या नहीं। अरे दूल्हों को बुलाओ। बेटा शादी में तो तेरे अग्नि के फेरे हुए थे, यहाँ तो तेरी काकी के फेरे होंगे। कुहू, तेरे डैड फिर से कहाँ चले गए? चुप रह जा, मेरे पास नहीं है, देखो कहीं नहीं है, मेरे पास नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, तीसरे पे मिल गई। मम्मा इनको चुप कराओ वरना। कुहू रहने दे। मेरी जान आ गई। संगीत दीदी आ गए। कितना टाइम लग रहा है आज?
कुछ अरेंज हुआ कि नहीं? सॉरी डैड, ये गांव वाले तो मुंह दिखाई में भी रामायण की चौपाई पढ़ रहे हैं। इतना होली रिचुअल बना दी कि कोई भी गांव वाला हमारी हेल्प करने को तैयार ही नहीं है। I knew it. मतलब हम प्यासे जाएंगे? नहीं डैड, आरजी के रहते हुए कोई भी प्यासा नहीं रह सकता। इन सब बेवकूफों में एक बुद्धिमान भी था, मैंने उसकी जेब भरी और उसने इसे भर दिया। एक्सीलेंट। वो क्या है? उसे कहाँ डैड? कुछ भी तो नहीं है, शायद धोखा हो गया मुझे। Let's go. मिस मित्तल, आपका पैर सोया है कभी? क्या? पैर सोया है कभी? क्या बोलते हैं, नंब हुआ है कभी? क्योंकि हमारा तो हो गया है। अरे कब से यहाँ लुकाए पड़ी हैं? हम पुलिस वाले हैं, चोर नहीं है जो ऐसे छुपे। सॉरी प्लीज, थोड़ी देर और रुक जाइए, जहाँ मेरा प्लान मोशन में आने ही वाला है, जहाँ इनका खेल शुरू होगा, वहाँ मेरा सवाल जवाब का खेल शुरू करते हैं। सवाल जवाब? हाँ, पहले दूल्हे से दुल्हन के बारे में सवाल पूछेंगे, फिर दुल्हन से दूल्हे के बारे में, और दोनों का जवाब सही मिला तो। और गलत मिला तो? अरे रुको रुको, ये तो मैं भी करती हूँ, बहुत अच्छा। I'm sure. तो चलो अब पता करें किसको कितना पता है अपनी बीवी के बारे में। मुझे तो बेला के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। फर्स्ट प्रथम क्या है, मेरा बेटा शुरू से फर्स्ट आता है ना, तो आज भी फर्स्ट प्रथम पहले जवाब मेरा बेटा देगा। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि अपनी दुल्हन के कोई ऐसी आदत बताओ कि जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। सवाल प्रथम की बीवी के लिए नहीं, उसकी माँ के लिए पूछना चाहिए, बोलने के लिए। Oh God, just kill me. को रहने देना बेटा, just enjoy. अरे बोलो बेटा, कुछ तो बताओ। वैसे तो सुहानी में कोई बुरी आदत है नहीं, हाँ लेकिन एक आदत बुरी है उसकी, मतलब रोने वाली फिल्म में नहीं बल्कि रोमांटिक फिल्म में रोती है। अपनी दुल्हन के कोई एक दो बुरी आदत गिना ही दो। हाँ हाँ मायर, बोल दो, यही एक मौका है, उसके बाद तो बीवियां ही गलती निकालती है। हाँ हाँ शर्माओ मत, कोई सुहाग रात वाली बात ही बता दो। लगता है आंटी को अपनी जवानी याद आ रही है। I swear dude. अरे बोल दो, नहीं तो हार मान लो। अरे हाँ हाँ माहिर, नहीं आता तो हार मान लो, बोल दे बेटा। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, वो एक्चुअली बेला को ना OCD की बीमारी है। OCD? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो OCD मतलब सही को और सही करने की बीमारी। कहने का मतलब है कि जैसे अभी घड़ी का स्ट्रैप खुला हुआ है तो वो खुला नहीं रहना चाहिए, वो प्रॉपर बंद होना चाहिए। जैसे अगर शर्ट की स्लीव्स हैं वो फोल्ड है तो 3 फोल्ड होने चाहिए प्रॉपर, और अगर जैसे बुक शेल्फ में बुक नहीं है कहीं पड़ी हुई है तो वो प्रॉपर बुक शेल्फ में रखी हुई होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसे बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, तो वो OCD होता है। तो ऐसे अभी भी अगर आप देखेंगे अंदर तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जितने भी फूल झूल रहे होंगे ना उन सबको बिला ने एक लाइन से लगा दिया होगा, अभी कोई भी नहीं झूलता हुआ मिलेगा आपको, देख लीजिए। तो कोई और आदत बता दो। अरे बताओ ना, शर्मा के क्यों हो, कुछ भी बता दो ना। आज आंटी पूरे बेड के सीक्रेट निकाल करेंगी। मूड में आ जा आंटी। वो बेड पे ना, बेड पे नहीं, बेड पे खराटे बहुत लेती है।
झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली बिला, मैंने सुना है कल रात को ही ले रही थी तुम। ये सब झूठ है ये बिला। अच्छा कैसे प्रूफ करोगे, कोई वीडियो है तुम्हारे पास? हाँ जोर जोर से खराटे लेती है प्रॉपर लंबे लंबे। माहिर जी क्या हो गया जामिनी? कुछ नहीं वो बस रेहान बाबू की याद आ गई। हाँ बिला जवाब दो, हार माननी है या ढोल बजाना है? चलो दूल्हे तो पास हो गए, अब दुल्हनों की बारी है। सवाल उनसे भी वही है, तुम अपने पति की कोई आदत बताओ, बुरी आदत। वो प्रथम की एक ही बुरी आदत है, ये ना मुझे चाय पीने में कभी कंपनी नहीं देते, बल्कि ये तो अभी तक दूध पीते। ओ सो स्वीट। स्वीट तो होगा ही ना कू, मेरा बेटा है। वैसे तुम्हारे पति की तरह नहीं है जो गंगा जल की बोतल में भी दारू डाल के पी जाता है। ठीक है वो ऐसी है। हाँ बेला बेटा अब तुम भी कुछ बता दो अपने पति की बुरी आदत। बेला जवाब देने वाली है वो तो सुन ले। माहिर जी के कानों पे जू तक रेंगने की जगह नहीं है, 24 घंटे वहाँ पे ब्लूटूथ जो चिपका के रखते हैं, और बेडरूम में सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। अरे बेला नींद कैसी होगी, तुम खराटे इतने लेती हो उस बेचारे को सोने नहीं देती, बताओ। माहिर जी और बेला जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना साथ में। बस अब यही दुआ करती हूँ कि ये बात बेला भी जल्दी मान ले। इस मित्तल समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, आओ शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। ये खेलना बचपन में बहुत खेला है हमने, अभी खेलने की इच्छा नहीं है, चलते हैं। नहीं प्लीज, देखो अरे देखो वो आ गए, वो लोग आ गए। मैंने बेला को आगाह किया था, कहा था कि ये कोई जाल है, फंस गए ना। बेला चाल जरूर चलेंगे, इन लोगों ने यहां पर लोगों ने पैरों को बुलाया। बेला, बेला मेरी मेरी बात सुन, बेला मेरी तरफ देखो। बेला मैं तुमसे ज्यादा पहले से इच्छाधारी हूँ, इन सपेरों के आगे मैं खुद पर ज्यादा देर तक काबू रख सकती हूँ, तो
तुम नहीं कर पाओगी, तुम एक काम करो बेला, तुम अपने असली रूप में आ जाओ। गुरुजी को बुलाओ, फिश गुरुजी को बुलाओ, जल्दी जल्दी। हे भोलेनाथ, ये लोग यहां, मुझे नागरानी को इनसे दूर रखना होगा, वरना बिन की आवाज से वो अपने असली रूप में आ जाएंगी। सपेरे यहां मतलब नागिन का खेल खत्म। बिन वालों को यहां पे किसने बुलवाया? Dad, I have no idea. अंकल प्लीज इनको भगाइए यहां से, ये तो सही में सांप आ जाएंगे। सांप नहीं, अब तो नागिन उसके असली रूप में आएगी, वो बेला। मिस मित्तल, जरा अपना माथा दिखाई, बचपन में कहीं चोट वोट तो नहीं लगी थी? कुछ भी बोले जा रही हैं आप, और हम भी यहाँ खड़े हैं आपका तमाशा देख रहे हैं। आई नो आपको ये सब बचकाना लग रहा है, लेकिन बिलीव मी, आज आप वो देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। आज आप उस लड़की को नागिन बनते हुए देखोगे, वो बेला को। इतनी देर से बाहर था तो बेला से मिलने का मौका ही नहीं मिला। अरे हाँ भाई साहब, मिल लीजिए, इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी तो फिर बेला फिर से बिजी हो जाएगी। मिल लीजिए। जी जी, मिल लेता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, कोई आपको ऐसे नहीं देख पाएगा। मैं मंत्र पढ़ के आपकी शक्ति को बढ़ाता हूँ। जल्दी कीजिए पंडित जी, आप जल्दी से पूजा शुरू कीजिए, तब तक मैं भी कुछ करती हूँ। मिलिए भाई साहब। सुमित्रा बहन जी, आपके घर की बहू बनके मेरी बच्ची बहुत खुश है। नहीं भाई साहब, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब वो आपकी बेटी नहीं, हमारे घर की बेटी है। जानता हूँ। ये बेला के फादर टेंट के अंदर बाहर जाके क्या कर रहे हैं? सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो, चिमटी काटी है हमको क्या? वही तो, क्या कर रही हैं आप? हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आज के जमाने में आपकी जैसी लड़की है जो बोलती है कि ये भीम के जरिए आप एक लड़की को नागिन बना देंगी, वो भी इच्छाधारी। मैडम सिनेमा नहीं देख रहे हैं, रियल लाइफ है, टाइम वेस्ट कर रही हैं हमारा।